सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो अजीत टीवी ते, मैं हाँ नायब सिंह सिद्धू। जिते कि 2022 दीआं वोटां नेड़े आ गईआं हन अते प्रशासन वल्लों तैयारियां भी कीतीआं जा रहीआं। बठिंडा दे रजिंद्रा कॉलेज विच अज जिहड़ी वोटां नूं लै के रिहर्सल सी, उह पहली रिहर्सल शुरू हो गई हैगी। जिहड़ा अपना अमला सीगा उहनां ने सारिआं ने रिहर्सल विच हिस्सा लिया। उहनां दे सब तों पहलां वैक्सीन की जा रही हैगी, टैसटिंग की जा रही हैगी करोना लैके। उस तो बाद मशीन बारे भी जानकारी दी जा रही हैगी भी किस तरह यह मशीन चलनगियाँ, क्योंकि इस बारी जिहड़ी एक नवी मशीन नाल टच की गई है जिहड़ी कि पर्ची दिखावेगी कि वह 7 सेकेंट लई वह पर्ची आवेगी। तो जिहड़ा कि वोटर हैगा उहनू पता लगेगा कि मैं ये वोट है जिहड़ी किहनू पाई है, उहदे विच उम्मीदवार का नाम अते उहदा सिंबल भी दिखाई देवेगा। वह 7 सेकेंट लई वोटर वह पर्ची देख सकेगा अते उस तो बाद ही ये पर्ची कट के बिच डिग पवेगी, तां जो वोटर नूं तसली हो सके भी ये वोट जिन्हों मैं पाई सी उस नूं पई हैगी। इस तरह जिहड़ियां तैयारियां मुकम्मल कर लईआं गईआं अते अमले वल्लों दस्सिया गया गा कि जिहड़े बजुर्ग हैगे 80 साल तो उपर है जां अपंग हैगे जिहड़े तुर फिर नहीं सकते अते पोलिंग बूथ ते नहीं पहुँच सकते उन्हां लई बैल्ट पेपर भी जारी किए जाणगे। वह उन्हां दे घर ही बैल्ट पेपर जाणगे अते उत्थों ही वह वोट पा के चोण अमला जिहड़ा वापस बैल्ट पेपर पोस्ट करके लै आवेगा। इस तरह जिहड़ियां तैयारियां कीतीआं जा रहीआं अते अगली रिहर्सल ते होर भी जानकारी वह दित्ती जाएगी। वोटां जिहड़ियां अन अमान नाल निरपक्ष पवाईआं जाणगियां। मैं बलविंदर सिंह जी, रिटर्निंग ऑफिसर फॉर पुछो 91 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। किस तरह दी तैयारियां चल रही जी? साड़ी जी अज फस्ट रिहर्सल सीगी इत्थे पोलिंग स्टाफ की, सो उहदे लई असी पूरा अरेंजमेंट किया होया। जिहड़े तुसीं इत्थे देख रहे हो भी वैक्सीनेशन टीम भी बैठी है, बाकी पोस्टल बैलेट्स लई सैपरेट काउंटर लगाया सी। वो जिन्ने भी आ रहे हैं उन्हां तों फॉर्म 12 जिहड़ा वो असी लै रहे हैं। इन्हां नूं नैक्सट जिहड़ी रिहर्सल होएगी उहदे च असी पोस्टल बैलेट जिहड़े आ उह प्रोवाइड करांगे। तो फिर फैसिलिटेशन सेंटर भी उत्थे खुल्या होएगा, उत्थे ही वोटिंग जिहड़ी आ अपनी वो नाल ही करके जाणगे। अगली वारी इस बार असी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ते APROs ते पोलिंग स्टाफ इन्हां तिन्नां नूं वक्रे वक्रे क्लासरूम्स दे विच बिठा के रिगरस ट्रेनिंग दित्ती है। उहदे विच मशीन बारे भी पूरी जानकारी प्लस डॉक्यूमेंटेशन, ते उहनां नूं सेंसिटाइज किया, अटेंडेंस लगाई है। अराउंड 70% ने अटेंडेंस रिपोर्ट हुई है, उदों हुई सी, हुण मैं हाले फाइनल फिगर चैक नहीं की। तो ठीक है, इट्स गोइंग ऑन वैल। हाँ जी, वो थ्रू BLOs असी जिन्हें भी हर एक पिंड आइडेंटिफाइड जोड़े साढ़े प्लस 80+ तो जा बजुर्ग जोड़े है PWD वोटर्स हैंडीकैप्ड जोड़े ने उन्होंने असी पोस्टल बैलेट्स राही 12D फॉर्म उन्होंने भेजे है घर, सो वो उतों फॉर्म डी भर के आएंगे। तो वो बाद असी फिर पोस्टल बैलेट्स पोलिंग टीम भेजांगे उत्थे घर च ही उन्होंने, ताकि उन्होंने पोलिंग स्टेशन से आने की जरूरत नहीं पेगी। सो वो भी एक फैसिलिटी इस बार गवर्नमेंट ने दिती है, सो असी उहदे ते पूरा जोर लगा रहे हैं। पूरी तैयारी किन्ने टीमां इत्थे बनाई गई है? इत्थे साढ़े 203 बूथ ने, सो उहदे लई टीमां जिहड़ियां ने वो नैक्सट रिहर्सल से कॉन्स्टिट्यूट होणगियां रैंडमाइज। हाले तो सिर्फ पोलिंग स्टाफ की अटेंडेंस लग रही है ते नाल उन्हां नूं बेसिक जिहड़ी ट्रेनिंग है वो दित्ती गई। थैंक यू। मेरा नाम महेंद्रपाल सिंह है, मैं एज ए मास्टर ट्रेनर असैम्बली हलका पुछो मंडी दे विच इत्थे ड्यूटी दे रहा हाँ। अज रिहर्सल दे विच असीं जिन्हें भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर है APRO है जां PO है उन्हां नूं मशीनस दे बारे दस्सिया हैगा।
भी ये किस तरह वर्क कर दी है तो फूल प्रूफ ने किस तरह के वोटिंग जो पैंती हैगी है वोट पाई जाती हैगी है वह बकायदा जिन्हों वोट पाँगा उस पैंती हैगी है। तो तीन मशीन के होंदिया एक कंट्रोल यूनिट हों एक बैलट यूनिट हों जिद आपका बैलट पेपर से बटन प्रेस करता है। तीजी जी खासियत हैगी वी वी पैट है जिद जे असी सौखे शब्दों दसीए जिन्हों वोट पाँदा है तो वो वोट परची उन्होंने वो 7 सैकंड लिए स्क्रीन पर दिखती है तो वो मुड़ के वो वोट परची कट के वो डिग पैंती हैगी है। तो वोट परची के उपर जिन्हों वोट पाई है उन्हें उदा नाम कैंडिडेट का तो उदा सिंबल उन्होंने दिखता हैगा तो पूरी तरह वो कन्फर्म हो जाता है जिसका मैं वोट बटन प्रेस किया कैंडिडेट का वोट मैंने उसनों पाई है। तो इस मशीन के ना ही किसी यानी कि बाहरली चीज़ अटैच हो जाती है ये आपस में अटैच होंगे है पूरी तरह फूल प्रूफ यह प्रोसीजर है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह अपनाया है। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਅਜੀਤ ਟਿਬਲੇ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਤੇ ਚਿੰਤੀ ਦੀ ਫੀਸ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਭਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਬੇ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸੁਖਵੀਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਊਗਾ ਮੈਨੂੰ 24,000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੋੜੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ।